A very good morning students, I am your teacher from Sanskriti Gurukulam school. Today I will teach you mathematics. Now I am going to take up chapter 13. Students, chapter 13 mein aaj hum padhenge circle. Circle kya hota hai? Chaliye read karte hain. A circle is a closed figure whose all points are at equal distance from a fixed point inside the figure. Circle ek closed figure hota hai, jaise aap dekh sakte hain. सामने जो डायग्राम बना हुआ है इसमें देखिए क्लोज फिगर है ये, जिसके सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं. जो एक फिक्स पॉइंट हमें दिया हुआ है, देखिए अंदर आपको दिया हुआ है, इससे देखिए सब जगह से इक्वल डिस्टेंस ही होगा. दिस फिक्स पॉइंट इज नोन इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल. ये सर्कल ये सेंटर होता है ना, इसका बीच में होता है ना, सेंटर में होता है ये, तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. सर्कल हैज नो साइड्स एंड कॉर्नर. सर्कल की साइड्स नहीं होती हैं, कॉर्नर भी नहीं होते हैं. लाइक एनी अदर फ्लैट शेप, दूसरे जो दूसरे फ्लैट शेप्स होते हैं उनकी तरह सर्कल कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज. सर्कल भी अलग अलग साइज में हो सकता है. द व्हील ऑफ अ साइकिल और बाइक, जैसे कि किसी साइकिल या बाइक का कोई पहिया हो, व्हील हो, अ बैंगल, चूड़ी हो, कॉइन हो, सीडी हो, आर सर्कुलर इन शेप. ये सब क्या होता है? सर्कल शेप में होती है सब. ओके, देखिए अब हम देखेंगे टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल. जो सर्कल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है रेडियस. रेडियस क्या होता है? रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट दैट रन्स बिटवीन द सर्कल एंड इट्स सेंटर. देखिए रेडियस क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होती है. ओके, रेडियस क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि कहाँ होती है? सर्कल और उसके सेंटर के बीच में होती है. देखिए आप देख सकते हैं ये क्या है, रेडियस. ये लाइन है सर्कल और उसके जो सेंटर है, देख सकते हैं आप, उसके बीच में है. ओके, तो ये क्या हो गया? ये देखिए ओ पी एंड ओ क्यू, ये सब क्या है? ये रेडियस है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डायमीटर. डायमीटर क्या होता है? अ डायमीटर इज द कॉर्ड दैट गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. डायमीटर एक कॉर्ड होती है जो कि सेंटर होती है सर्कल का, उस जो लाइन होती है ना सेंटर पर, वो होती है डायमीटर. ओके, एक कॉर्ड होती है डायमीटर जो कि उसके सेंटर में होती है, बिल्कुल सेंटर में होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज कॉर्ड. कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल. जो कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करे सर्कल के वो क्या हो गया? कॉर्ड. देखिए यहाँ पे सी डी ज्वाइन किया है हमने, यहाँ पे ए ओ ए ए बी ज्वाइन किया है, तो ये क्या हो गया? ये कॉर्ड है. ए बी सी डी ये लाइन्स क्या है? कॉर्ड है. अगर हम इसको ऐसे में भी बनाए, कैसे भी बनाए, अगर ये हमको टू पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी तो वो क्या होगा? कॉर्ड होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट हम करेंगे एक्सरसाइज 13I. ओके, चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. नेम द पार्ट्स ऑफ द गिवन सर्कल. देखिए हमें नेम्स बताने हैं जो पार्ट्स दिए हुए सर्कल के उनके. हमारे पास देखिए एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्कल है. ओके, यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, पार्ट्स दिए हुए हैं. अब इसमें हमें सबसे पहले बताना है सेंटर. सेंटर कहाँ है? सेंटर देखिए बीच में सेंटर है. इसको ना इसका नाम क्या है? ओ. तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटर में ओ. ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हमें बोला है रेडियस. ओके, रेडियस कहाँ है? रेडियस हमने बोला था कोई भी दो पॉइंट्स मैच करेंगे, देखिए यहाँ से सेंटर से यहाँ तक ए ओ. ए ओ क्या हो गई हमारी? रेडियस. ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हमको बोला है एन पी. एन पी क्या है? देखिए एन पी ये क्या है? बीच में है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. ये क्या है? डायमीटर. तो यहाँ पर हम लिख देंगे डायमीटर. ओके, नेक्स्ट इज एल एम. एल एम क्या है? जो भी जो दो पॉइंट ज्वाइन करेंगे सर्कल के वो क्या होगा? कॉर्ड होगा. ये सेंटर में नहीं, अगर सेंटर में होता तो डायमीटर होता, तो ये क्या हो गया? कॉर्ड. यहाँ पर हम लिख देंगे कॉर्ड. नेक्स्ट इज ओ पी. ओ पी क्या है? ये ओ पी, ये भी देखिए कोई ये सेंटर से ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे सर्कल तक, तो ये क्या हो गया? रेडियस. जो सेंटर से ज्वाइन होता है सर्कल तक वो होती है हमारी रेडियस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज इन द एडजॉइनिंग सर्कल. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्कल बना हुआ है. राइट, क्या लिखना है आपको? देखिए इसमें दिया हुआ है ऑल द रेडियाई. जो इनकी रेडियाई है वो कैसी है? रेडियस मतलब रेडियस है, सबकी इक्वली होती है. ओके, जो डिस्टेंस होता है सबका इक्वल ही होता है, तो इसमें लिखेंगे आर इक्वल.
नेक्स्ट इज ऑल द डायमीटर्स, जो इसके डायमीटर्स हैं वो भी सब इक्वल है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे आर इक्वल. नेक्स्ट इज ऑल द कॉर्ड्स, जो सबकी कॉर्ड्स हैं वो क्या होगी, कॉर्ड्स तो इक्वल नहीं हो सकती है क्योंकि सबके मेजरमेंट्स अलग होते हैं. अगर हम बीच में सेंटर में बनाएंगे, साइड में बनाएंगे तो क्या होगा, इक्वल तो नहीं होगी. तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर नॉट इक्वल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें क्या बोला गया है, ड्रॉ द सर्कल ऑफ द गिवन रेडियस. देखिए हमें रेडियस दी हुई है, उसका हमको सर्कल बनाना है. ओके हमें देखते हैं फर्स्ट, हमें रेडियस कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर की रेडियस ड्रॉ करेंगे और उससे फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे. ओके चलिए हम रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए हम जीरो से करेंगे, ये देखिए आप जीरो देख सकते हैं, यहाँ से लेके 5 सेंटीमीटर बोला गया है. तो देखिए 5 सेंटीमीटर कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक. ओके यहाँ पर पॉइंट भी बना देंगे जिससे हमें क्लियर रहेगा, यहाँ तक हम इसको ड्रॉ कर लेंगे. देखिए क्लियर है, ये क्या हो गई 5 सेंटीमीटर की रेडियस. यहाँ पे हम दे देंगे पॉइंट ओ. ओके स्टूडेंट्स नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम कंपास का यूज करते हैं. ओके ये क्या होता है कंपास, कंपास का देखिए इसको ओपन करेंगे, इसका जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को हम यहाँ पर रखते हैं. ओके और जो ये पेंसिल होती है इसको हम दूसरे पॉइंट पर रखते हैं. अब क्या करते हैं हम सर्कल बना लेते हैं इससे. ये जो हमारा यहाँ का पॉइंट है ये बिल्कुल भी मूव नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा भी मूव हो गया तो हमारा सर्कल गलत हो जाएगा. ओके तो हम उसको मूव नहीं करेंगे बिल्कुल और हमारा सर्कल ईजिली बना लेंगे. ओके स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस तरीके से हम सर्कल बना लेंगे. देखिए सर्कल बन गया हमारा रेडियस से, हमने कितनी रेडियस ली थी 5 सेंटीमीटर की रेडियस ली थी. इसके हिस्से हमने यहाँ पर इस पॉइंट कर रखा, पेंसिल वाला पॉइंट इधर साइड रखा और उसको ड्रॉ कर लिया सर्कल. क्लियर है नाउ. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देखिए हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर रेडियस दी गई है. तो देखिए हम क्या करेंगे, हम स्केल से 2 सेंटीमीटर की रेडियस ड्रॉ कर लेंगे. देखिए हम यहाँ पर हम स्केल रखेंगे यहाँ पर. ओके पेंसिल लेंगे, जीरो से लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ तक, 2 तक. देखिए यहाँ तक 2 हो गया, देखिए 2 पे हमने ड्रॉ किया. यहाँ पर भी हमने एक पॉइंट रखा जिससे हम इसको हमारे कंपास को वहाँ पर रख सकते हैं. ओके तो हमने देखिए कंपास का जो पॉइंट है वो हमने रखा इस पॉइंट पर और जो पेंसिल का पॉइंट है वो हमने दूसरे पॉइंट पर रखा और फिर क्या किया, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. ओके देखिए इस तरीके से हम ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. ये कितने रेडियस का सर्कल है, ये है 2 सेंटीमीटर का. यहाँ पर हम लिख देंगे 2 सेंटीमीटर, ये हो गया पॉइंट ओ, या फिर आप जो चाहें कोई और भी पॉइंट दे सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स आज हमने क्या सीखा है, सर्कल बनाना सीखा है. तो ये भी आप इतने रेडियस लेकर आप सर्कल बनाना सीखेंगे. ओके स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13I डन की है. ओके ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझनी है. ओके और जो क्वेश्चंस इसमें मैंने लीव किए हैं वो आपके होमवर्क के लिए हैं, उन्हें आप अपनी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे और जो अभी मैंने करवाए हैं वो आप अपनी बुक में भी करेंगे, जो बुक में फिल करवाया है वो बुक में फिल करेंगे और जो ये सर्कल्स हैं ये आप अपनी फेयर नोटबुक में डन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स थैंक यू.